Assalamualaikum, welcome back to my channel. आप सब देख रहे हैं Cooking with Farinaz YouTube channel. तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ पंजाब का मशहूर और फेमस, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और विंटर स्पेशल गाजर का गजरेला. बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ही ज़्यादा आसान है. गजरेला बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, गाजर लिए यहाँ पे मैंने 1.5 किलो और इसे मैंने कश कर लिया है कद्दूकश से, इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक. दूध लिया है मैंने 4 किलो और दूध को बॉयल करने के लिए मैंने चूल्हे पे रख दिया है फ्लेम पे. और चावल लिए यहाँ पे मैंने भीगे हुए, चावल को 2 घंटे मैंने भिगो दिया था पानी में, सादे पानी में, और इसका पानी जो है बिल्कुल खुश्क कर लिया मैंने. चावल है यहाँ पर 2 कप, शुगर लिए यहाँ पे मैंने 3 कप या हस्बे ज़रूरत जितनी आपको पसंद है. बादाम बारीक बारीक कटे हुए लिए यहाँ पे मैंने 1/2 प्याली, पिस्ता लिया यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ 1/2 प्याली, आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं. और सब्ज इलायची लिए यहाँ पे मैंने 6 अदद और इसे बिल्कुल बारीक बारीक पीस लिया मैंने. तो चलिए अपना गजरेला बनाना स्टार्ट करते हैं. तो दूध हमारा बॉयल हो चुका है, 4 किलो दूध है ये, इसे मैंने बॉयल कर लिया. तो ये जो भीगे हुए चावल हैं इसे साबुत साबुत से इसे हमें हाथ से इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से हाथ से मसल कर इसे थोड़ा सा तोड़ लेंगे. सॉफ्ट हुए हुए भीग गए थे ज़्यादा, देखें कितने बारीक बिल्कुल चावल हो गए हाथ से करने से. इसे बारीक करने से चावल जो है जल्दी गल जाते हैं. मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ. और अब इसे ऐड कर देंगे मिल्क के अंदर, बॉयल मिल्क में. तो ये देखिए हमारे दूध में भी जो है वो बॉयल आ गया है. और अब ये जो चावल हमने हाथ से पीसेस किए हैं और अब इसे डाल देंगे इसके अंदर. अब इसे इसके अंदर मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर ऐड करेंगे गाजर कश की हुई. सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये. तो एक गाजर जो है इसके अंदर डाल दी, इसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और बराबर से इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे इस तरह से. अगर आप सब मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए. तो इसमें मुसलसल जो है बराबर से चम्मच चलाना है, रोकना नहीं है हाथ अपना. और इसे इतना पकाना है कि बिल्कुल इसका जो दूध है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और गाजर और जो हमारे राइस है इसके अंदर वो बिल्कुल गल जाए और अच्छे से इसके अंदर घुट भी जाए. तो अभी इसे मुसलसल पकने देंगे, मिलते हैं 10 मिनट के बाद. 10 मिनट के बाद देखते हैं कितना रेडी हुआ है. तो ये देखें 10 मिनट मुसलसल चम्मच चलाने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है. तो ये अभी मज़ीद और पकेगा 15 मिनट तक, 15 से 20 मिनट तक और पकाएंगे इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे. ना फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो भी नहीं करनी और ना फुल करनी, तेज़ फ्लेम पे जो है ये फुल फ्लेम पे जल भी जाएगा नीचे से. और इसे छोड़ना नहीं है, इसी तरह से मुसलसल चम्मच चलाना है. और अब इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर, मिक्स करेंगे इसे. तो शुगर जो है इसके अंदर आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं कम या ज़्यादा. अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दीजिए, कम पसंद है तो आप कम डाल दीजिए. तो अब मिलते हैं 15 मिनट्स के बाद, 15 मिनट के बाद देखते हैं कि कितना हमारा रेडी हुआ है. तो 20 मिनट इसे हो गए, इसी तरह मैं मुसलसल बराबर से इसके अंदर चम्मच चला रही हूँ और ये ऑलमोस्ट पक के रेडी हो चुका है. और अब देखें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल खीर की तरह हो गई ये. तो हमारा गजरेला ऑलमोस्ट पक के तैयार हो गया है. और अब इसके अंदर ऐड करेंगे पिसी हुई इलायची, इलायची पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं. मिक्स करेंगे इसे अच्छे तरीके से. और अब ऐड करेंगे इसके अंदर कटे हुए बादाम पिस्ते, पिस्ता, तो अब इसे मिक्स करेंगे. तो
दो मिनट तक इसे मजीद इसी तरह से चम्मच चलाते रहेंगे। तो दो मिनट हो गए और हमारा पंजाबी गजरेला जो है, पंजाब का मशहूर गजरेला, बिल्कुल पक के रेडी है। और अब फ्लेम जो है बिल्कुल ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। तो पंजाबी गजरेला हमारा तैयार है और इसे रूम टेम्परेचर पे मैंने ठंडा भी कर लिया और अब इसे डिश आउट कर लेंगे। तो हमने इसे डिश आउट कर लिया है गजरेले को और अब हम इसे जो है बादाम और पिस्ते से डेकोरेट कर देंगे। तो तैयार है यहाँ पे हमारा मजेदार सा गजरेला, पंजाबी गजरेला, बहुत ही मजे का और बहुत ही ज्यादा डिलीशियस बना है। तो अगर आप सबको मेरी पंजाबी गजरेला की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं इसी तरह से अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मीठी मीठी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।